ओम शांति। 9/7/2020 की मुरली का सार। मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है, बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रिया वश में हो जाए। दूसरा, सर्विस में दुख सुख, मान अपमान, गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। तीन पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल, हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भाव। यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे, बोल बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। स्लोगन, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। ओम शांति।